सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर पेरिफेरल में केबल्स वाला टॉपिक। केबल्स देखिए, वैसे तो आप लोगों को मैंने यूनिट 4 में भी केबल्स एंड कनेक्टर वाला टॉपिक पढ़ाया है। उसमें अगर आपको ध्यान होगा तो आपको मैंने वहां पे रोक दिया था कि मैं यूनिट 4 में नेटवर्किंग से रिलेटेड केबल आपको बताऊंगा, बाकी जो केबल्स है वो यूनिट 2 में बताने वाला हूँ। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर में जो हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारे केबल होते हैं, अलग अलग प्रकार के केबल होते हैं। आप पहले के कंप्यूटर्स देखिए, आज के कंप्यूटर्स देखिए, बहुत अंतर होता है। तो देखिए, आपको मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ कि ऐसे केबल्स आपको दिखेंगे, कुछ ऐसे केबल्स दिखेंगे, कुछ ऐसे भी प्रकार के केबल्स दिखेंगे, कुछ ऐसे दिखेंगे, कुछ ऐसे वाले केबल्स दिखेंगे, और ओवरऑल फिर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये ओवरऑल जैसे अगर जो कनेक्ट होते हैं तो ये टोटल कितने प्रकार के जो पोर्ट्स हैं, केबल्स हैं जो हम लोगों को दिखते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो कंप्यूटर केबल्स की अगर मैं बात करूं तो केबल्स अलग अलग प्रकार के, मैं आपको 5 प्रकार का केबल बताने वाला हूँ, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ केबल। इसमें सबसे पहला प्रकार का ये है कि अगर एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के बीच में डेटा शेयर करना है तो कौन सा टाइप का केबल यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड डेटा केबल, ठीक। दूसरा टाइप का जो केबल मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जब कंप्यूटर को किसी, मान लीजिए, होम थिएटर के साथ कनेक्ट करना है या किसी साउंड सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है तो ऑडियो को ही सिर्फ ट्रांसमिट करना है, मतलब इस कंपोनेंट को, कंप्यूटर को इस तक सिर्फ ऑडियो को भेजना है तो कौन सा केबल लिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड ऑडियो केबल, ठीक। इसके बाद तीसरा ऐसा है कि हो सकता है कि ये कंप्यूटर को मान लीजिए इसका जो कंपोनेंट है इसको प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करना होगा, मतलब कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे को वीडियो ही ट्रांसमिट करना है और कुछ ट्रांसमिट नहीं करना है, तो ऐसे केबल को वीडियो केबल कहा जाता है, ठीक। चौथा प्रकार का जो केबल होता है वो होता है कि अगर मेरे को, आजकल ऐसे ऐसे आ जाते हैं जैसे एक कंप्यूटर को टीवी के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, जब मेरे को ऑडियो भी ट्रांसमिट करना है साथ में वीडियो भी ट्रांसमिट करना है तो उस प्रकार के केबल को ए एंड बी केबल या ऑडियो एंड वीडियो केबल कहा जाता है, ठीक। पांचवा प्रकार का जो केबल होने वाला है वो ये है कि अगर इस कंप्यूटर को मान लीजिए किसी मॉडेम के साथ या नेटवर्किंग डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है जिससे इसमें इंटरनेट आ पाए तो उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग रिलेटेड केबल या नेटवर्किंग केबल बोल सकते हैं। तो ऐसे मैंने 5 प्रकार के केबल्स को क्लासिफाई किए हैं और 5 प्रकार के क्लासिफिकेशन से मैं आपको आगे बढ़ता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि अगर कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करना है किसी इधर से उधर को तो वो किस प्रकार से कर सकता है। तो आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा वो आपको अलग अलग प्रकार होगा, उसमें सबसे पहला मैं आपको यूएसबी के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि मैं यूएसबी आपको उसमें भी पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी ऐसे आपको नाम से बता देता हूँ। यूएसबी का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक। यूनिवर्सल सीरियल बस ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे डेटा ट्रांसफर होता है और ये आने के बाद, यूएसबी के इन्वेंशन होने के बाद से आप ये मान के चलिए कि दुनिया भर के ऑलमोस्ट केबल का कनेक्शन अब खत्म हो चुका है और सिर्फ यूएसबी ही चल रहा है। मतलब अगर आप नए नए लैपटॉप से कुछ खरीदते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यूएसबी केबल के पोर्ट ही दिखेंगे, बाकी जो जो दूसरे टाइप के पोर्ट हुआ करते थे पहले, चाहे प्रिंटर हो, चाहे आप कैमरा हो, वेब कैमरा हो, या कुछ भी चीज आपको कनेक्ट करना है, एक तरफ यूएसबी ही रहता है। तो यूएसबी के आने के बाद से सारा कुछ हट चुका है, चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे वेबकैम, कुछ भी हार्ड ड्राइव हो उसका एक छोर हो, माइक्रोफोन्स हो, प्रिंटर हो, स्पीकर हो, कुछ भी हो, यूएसबी पोर्ट ही आता है, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है, ठीक। ये पावर के लिए भी इस्तेमाल होता है, वैरायटी ऑफ गैजेट्स इसमें पावर लेते हैं, चार्जिंग तो होता ही है इसमें, ठीक है, और डेटा ट्रांसफर तो होता ही है। इसका एक छोर आपको पता है कि यूएसबी केबल का एक छोर को क्या कहते हैं हम लोग, ये स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड बोले तो जो कंप्यूटर में लगता है उसको हम लोग हमेशा यूएसबी ए पोर्ट बोलते हैं। तो यूएस कभी आपको कोई बोलता है कि यूएसबी ए किसको बोलते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर जो कंप्यूटर में लगते हैं जो स्टैंडर्ड पोर्ट होते हैं वो यूएसबी ए कहलाते हैं और इसका जो दूसरा छोर होता है वो छोर यूएसबी बी कहलाता है। यूएसबी बी कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर का एक छोर हो सकता है, अलग अलग जो भी आप डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो वो छोर यहाँ पे यूएसबी बी हो सकता है, ठीक है। तो यूएसबी ए यूएसबी बी के बारे में आप अंतर जानिए।
अभी जो लेटेस्ट में अभी चल रहा है यूएसबी 3.0 भी चल रहा है। यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर का सामने का ऐसा कलर होता है, उससे आप समझ जाएंगे कि ये यूएसबी 3.0 है। ये काफी हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है, लगभग आप इसका जो डेटा स्पीड देखा गया है वो 625 Mbps तक भी देखा गया है, ठीक है, और मैक्सिमम तो 5 Gbps भी बोलते हैं, तो 5 Gbps भी है। तो ये सारा कुछ आपको मैंने डेटा यूएसबी केबल के बारे में बताया। इसके बाद अगर आप डेटा केबल में दूसरा कोई छोर देखेंगे तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे, वो है आपका फायर वायर, ठीक है। आप लोगों को फायर वायर के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, फायर वायर, हालांकि आपने हार्डवेयर देखा है तो उसमें आप लोगों ने कभी देखा होगा फायर वायर। फायर वायर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, चलिए फायर वायर क्या होता है। फायरवायर एक केबल है, बेसिकली इसको एप्पल कंपनी ने इन्वेंट किया था, इसके एप्पल ने ही इसका इस केबल का नाम फायरवायर रखा। इसी का दूसरा नाम भी है, इसको फायरवायर की जगह में आई लिंक भी कह सकते हैं। इसको सोनी कंपनी ने, यही टेक्नोलॉजी से सोनी कंपनी ने बनाया और इसका नाम उसने आई लिंक रखा। हर कंपनी का अपना अपना ऐसे नाम था, तो सोनी ने आई लिंक रखा, उसी को एप्पल ने फायर वायर रखा और फायर वायर के नाम से ही चलता है, ठीक है। ये बोल सकते हैं ये काफी एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये क्यों यूज होता है, ये भी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। आपको पता है ना कि जब डेटा इधर से उधर जाता है तो दो तरीके से जाता है। अगर सीरियल होगा मतलब क्या होगा कि मान लीजिए 10110 इसको मेरे को ट्रांसमिट करना है एक कंप्यूटर से 20 कंप्यूटर के बीच में, तो सीरियल कम्युनिकेशन क्या होगा, पहले जीरो जाएगा, फिर उसके बाद में वन जाएगा, फिर वन जाएगा, फिर जीरो, फिर वन, ऐसे करके डेटा जाते आएंगे लाइन से, उसको बोलते हैं सीरियल। और पैरेलल में क्या होगा, इन लोगों के बीच में अपन क्या करेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 वायर डाल दिए, 1 0 चला गया, इसमें 1 चला गया, 1 0 1, ऐसे एक साथ चले गए। तो ये होता है आपका पैरेलल ट्रांसमिशन। तो फायर वायर बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और ये अलग अलग वर्जन्स में भी आते हैं फायर वायर। मतलब फायर वायर एक प्रकार का केबल है जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज आता है, और इसके अलग अलग वर्जन होते हैं। मतलब इसको ऑप्टिकल फाइबर वर्जन में भी आता है फायरवायर, आप ट्विस्टेड पेयर केबल में भी आता है, तो ये इसका अलग अलग वर्जन आते हैं, ठीक है। आई ट्रिपल ई ने जब देखा कि इन लोगों ने अलग अलग नाम रखा है तो इसका एक स्टैंडर्ड नाम रख दिया। आपको पता है ना कि आई ट्रिपल ई एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है आपको वाईफाई, ब्लूटूथ सब के बारे में बताया था, याद है। आई ट्रिपल ई 802.11 को वाईफाई बोलते हैं, 802.15 को ब्लूटूथ बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड हो गया। तो वैसे ही आई ट्रिपल ई ने इसका भी स्टैंडर्ड रख दिया 1394। आई ट्रिपल ई 1394 बोलने से आपको सीधा सीधा दिमाग में आना चाहिए कि ये फायर वायर होता है, अच्छी बात है। तो मैं आपको ये भी बता दिया कि ये महंगा होता है, किस कैसे ट्रांसमिट होता है ये भी बता दिया आपको, ये किस किस वर्जन में आता है ये भी बता दिया, लेकिन इसको यूज ही क्यों करें, बेसिकली दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो दिमाग ये इसलिए यूज कर रहे हैं अपन क्योंकि ये एक फास्टर ऑल्टरनेट है यूएसबी का। मतलब आजकल तो खैर यूएसबी में भी बहुत ज्यादा हाई स्पीड आ गया है, लेकिन जो पहले का यूएसबी था 2.0 की अगर अपन बात करें तो उससे काफी ज्यादा फास्टर अल्टरनेट था फायरवायर। मतलब अगर किसी को फास्ट डेटा ट्रांसमिशन चाहिए, मतलब ऐसे कभी कभी ऐसे कुछ होते हैं ना जिसमें हम लोगों को फास्ट डेटा चाहिए रहते हैं, जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, उसको भी अपन जैसे eSATA केबल से तो कनेक्ट करते ही है, फायरवायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को तेजी से डेटा ट्रांसमिट चाहिए। जैसे आप वेब कैमरा की बात कर लीजिए, वेब कैमरा क्या करता है कि मान लीजिए वो तुरंत तुरंत वीडियो को लेता रहता है और तुरंत ट्रांसमिट करता है। तो ऐसे जब कभी भी कोई डिवाइस है जिसमें हम लोगों को फास्टर डेटा ट्रांसमिशन की जरूरत है, तब हम लोग क्या करते हैं, यूएसबी के ऑपोजिट हम लोग फायर वायर में चले जाते हैं। फायर वायर उससे फास्टर अल्टरनेट होता है, लेकिन आजकल जो यूएसबी आए हैं उसमें काफी स्पीड है, तो फायर वायर भी रिप्लेस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने आपको डेटा केबल में, आपको डेटा से रिलेटेड पहले एक यूएसबी बताया, आपको मैंने फायर वायर बताया, अब तीसरा मैं आपको बता रहा हूं वो है आपका eSATA केबल। आप eSATA केबल के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा मेरे से पहले भी, और अब हम लोग इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। eSATA केबल क्यों यूज आता है, अगर किसी को बताऊं तो देखिए, एक तो पहले आप SATA केबल के बारे में जानिए। SATA केबल आप लोगों को पता है ना कि ये ऐसा केबल है जो
इंटरनल जो हार्ड ड्राइव होता है उसको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करता है, और कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को जब अपन को कनेक्ट करना होता है तो उसको अपन ई साटा से कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि चाहे फायर वायर हो चाहे ई साटा हो, क्योंकि ये फास्टर ऑल्टरनेट थे आपके उसके लिए क्या बोलते हैं यूएसबी के कंपैरिजन। लेकिन आजकल मैं जब यूएसबी का और इन्वेंशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सारी जो केबल्स हैं वो सब अब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं हट चुके हैं। इंटरनल में तो साटा है, लेकिन एक्सटर्नल में हम लोग चाहे हार्ड ड्राइव को हम यूएसबी से ही कनेक्ट करते हैं। तो ई साटा केबल या साटा केबल को आप अगर बोलें तो इंटरनली हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर मदरबोर्ड से कनेक्ट करने में मदद करता है, और इवन ये थोड़ा सा ये फास्टर होता है फायर वायर से भी। तो ये इसका आप ये याद रखिएगा कि ये फास्टर होता है फायर वायर से, और नॉर्मल जो यूएसबी केबल आते थे उससे ये फास्टर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका डेटा केबल के बारे में। इसी में एक और चीज आप याद रखिएगा कि क्या होता है कि पहले अगर आपको मान लीजिए आपको पुराना कोई कंप्यूटर मिल गया, आजकल तो ये खैर यूज नहीं होते हैं, लेकिन पहले के कंप्यूटर अगर आपको मिल गए तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि ये क्या है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं रहेगा ये क्या है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, पुराने कंप्यूटर वगैरह में अगर आपको दिखता है, या आईबीएम के जो कंप्यूटर आते थे उसमें अभी भी चलते हैं, तो ये आपको जो दिख रहा होगा ये PS2 पोर्ट है। ठीक है, ये PS2 है, ये जनरली कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए यूज आते थे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर में ये फोटो भी दिया हुआ है कि ताकि लोग कंफ्यूज मत हो, ये माउस का सिंबल है और ये कीबोर्ड का सिंबल है। ठीक है, तो माउस और कीबोर्ड का सिंबल में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका कलर कोडिंग याद रखिएगा कि ये किस उसके लिए हो। तो PS2 पोर्ट बोलने से आपको तुरंत ये दिख जाना चाहिए कितने पिन है इसमें, 6 पिन है। ठीक है, इसमें 6 टोटल पिन है PS2 वाले में, और ये माउस और कीबोर्ड को मतलब कनेक्ट करने में काम आता है। ठीक, अब डेटा केबल से आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, वो है आपका ऑडियो केबल। मतलब अगर हम लोगों को सिर्फ ऑडियो को ट्रांसमिट करना है कभी किसी से, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आप जो ऑडियो को सबसे ज्यादा यूज करते आए होंगे आज तक, वो है आपका ये वाला केबल। आप अभी भी हेडफोन वगैरह यूज करते हैं तो यही केबल यूज करते होंगे। ये केबल होता है सर। 3.5 mm जैक। ठीक है, 3.5 mm हेडफोन जैक, ये 3.5 mm ही स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बना दिया गया है। और क्योंकि अलग अलग अगर डिवाइसेस के लिए अगर अलग अलग हम लोगों को केबल लगने पड़ेंगे तो हमारा मतलब स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक फिक्स कर दिया गया कि 3.5 mm जैक को मतलब वाला जो है उसको हेडफोन के लिए यूज होता है। इसमें भी दो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक मतलब स्टीरियो मोनो के लिए यूज होता है जो आवाज की क्वालिटी को अंतर करता है। अब इसमें देखिए मोस्ट माइक्रोफोन स्पीकर्स तो इसको यूज करते ही हैं। ठीक, इसमें भी आप अगर देखेंगे, देखिए कुछ कुछ हेडफोन, हालांकि मेरे पास अभी फोटो नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे कंप्यूटर वगैरह में अगर आप देखेंगे तो ये 3.5 mm हेडफोन जैक में दो कलर आते हैं, एक पिंक कलर का रहता है एक ग्रीन कलर का रहता है। कभी आप लोगों ने देखा है क्या, कभी कोई हेडफोन को लगाते होंगे तो आप कंप्यूटर के पोर्ट में डेस्कटॉप वगैरह में देखेंगे उसमें दो कलर का दिखता है, एक ग्रीन कलर का और एक आपका पिंक कलर का, शायद इसमें कहीं दिख जाए। इसमें आप देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे इस वाले इसमें ये जो 14th नंबर का ऑडियो और वीडियो है ये ग्रीन कलर का और पिंक कलर का। हाँ, बेसिकली ये ऑडियो के लिए यूज होता है। हाँ, तो ये दोनों 3.5 mm जैक है और ऑडियो के लिए ही यूज होता है। ठीक, तो एक नॉर्मल वाला है, इसमें आप ये मान के चलिए कि इसमें तो ऑडियो वीडियो दोनों होता है, लेकिन अगर दो अलग अलग कलर दिए हुए तो वो कलर की आपको कोडिंग याद मतलब रखनी है कि पिंक कलर जनरली माइक्रोफोन्स के लिए यूज होता है और जो ग्रीन कलर का होता है वो स्पीकर्स के लिए यूज होता है। तो ये बेसिकली ठीक है, अच्छी बात है। ये बेसिकली क्यों यूज होता है, क्योंकि इसमें ना
इंटरफियर ये जो केबल है इसमें जो इंटरफियरेंस है ना, क्योंकि ये आवाज हम चाहते हैं कि अच्छे से ट्रांसमिट हो, तो कोई इंटरफियरेंस बाहर का मत आए, तो स्टैटिक हो या फ्रीक्वेंसी का कुछ भी इधर उधर का इंटरफियरेंस इसमें थोड़े कम होते हैं। और जो म्यूजिक है वो फुल फिडेलिटी के साथ रिसीव होता है, ठीक है, फिडेलिटी के साथ रिसीव होता है। फिडेलिटी का मतलब ये होता है कि जितना हम लोगों ने भेजा है, मान लीजिए हमने 4 किलो हर्ट्ज से लेके 4 मेगा हर्ट्ज तक का जो सिग्नल है वो ऑडियो सिग्नल हम लोगों ने भेजा है, तो जब रिसीव हो तो भी यहां से यहां तक का रिसीव हो, ऐसा ना हो कि बीच का ही सिर्फ रिसीव हो रहा है बाकी सब रिसीव नहीं हो रहा है, तो इसी को कहते हैं फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है कि जितना हमने इनपुट दिया है उतना आउटपुट में आए, दैट इज कॉल्ड फिडेलिटी। तो इसीलिए तो जैसे वाईफाई का आपने नाम सुना होगा वायरलेस फिडेलिटी, लाईफाई का आपने नाम सुना होगा लाइट फिडेलिटी। ये फिडेलिटी का मतलब होता है कि जितना हमने भेजा जिस फ्रिक्वेंसी रेंज में हम लोगों ने भेजा उतना ही फ्रिक्वेंसी रेंज में वो रिसीव भी हो। तो 3.5 mm जैक का मेन पर्पस है यूज करने का कि इसमें जो म्यूजिक होता है वो फुल फिडेलिटी के साथ रिसीव होता है, पहली बात तो, और दूसरी बात इसमें स्टैटिक और कोई प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता, इसीलिए मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है। क्योंकि ए सेक्शन में कोई स्टूडेंट मेरे को पूछा था कि ये सर इसी को क्यों यूज करते हैं, तो आप लोग इस बारे में सुन लीजिएगा, ठीक। अब आप लोगों को एक चीज के बारे में पता चला कि ठीक है, हम लोग सिर्फ ऑडियो को भेजने के लिए हम 3.5 mm हेडफोन जैक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को एक बहुत क्लियरिटी का बहुत उच्च क्वालिटी का ऑडियो अगर हम लोगों को ट्रांसमिट करना है, समझ रहे ना, उच्च क्वालिटी का मतलब एकदम हाई क्वालिटी का, एक एक बीट हमको सुनना चाहिए वैसा क्वालिटी का, तब हम लोग क्या करते हैं, फिर आप समझते हैं, फिर तो ऑप्टिकल फाइबर ही हमारा सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी है कि आप मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स में आप उसमें सिग्नल भेज सकते हैं, तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल में जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जब कभी केबल का इस्तेमाल करेंगे वो है डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो केबल, ठीक है, डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो केबल का इस्तेमाल करेंगे। इसको आम भाषा में टॉस लिंक कहा जाता है। तो अगर आप कभी भी इंटरनेट में सर्च करते हैं, अमेजोन में सर्च करते हैं कि आपको अगर ये देखिए, हालांकि ये तो अमेजोन बेसिक्स कंपनी ने ही बनाया है ये वाला, तो आप कभी भी आपको अगर अपने घर के लिए या कहीं के लिए भी चाहिए कि मैं डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो केबल लेना चाहता हूँ, तो आप टॉस लिंक लिखेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो टॉस लिंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले ने किसने बनाया था, टोशिबा कंपनी ने बनाया था, इसलिए इसका नाम टॉस लिंक कहलाता है। बेसिकली कभी भी आपको होम थिएटर्स वगैरह को कनेक्ट करना है, डॉल्बी होम थिएटर्स वगैरह को कनेक्ट करना है जिसमें आपको एकदम उच्च क्वालिटी का साउंड की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, बढ़िया, आप टॉस लिंक लेंगे और टॉस लिंक को आप अपने सेटअप बॉक्स को डॉल्बी होम थिएटर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे और बढ़िया आप यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं दो चीज के बारे में, ऑडियो केबल के बारे में आपको बताया जो मोस्ट पॉपुलरली यूज होता है 3.5 mm जैक, और जो आपका बहुत हाई क्वालिटी का साउंड को ट्रांसमिट करने में, हालांकि ये एक फिक्स रेंज के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है कि इसको आप दूर दूर तक कर दिए, एक फिक्स रेंज का वायर आता है उस फिक्स रेंज में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग अपना नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं कि अगर हम लोगों को वीडियो ट्रांसमिट करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो ट्रांसमिट करना है, तो हम लोग किस एरिया में जाएं। तो आप सबसे पहले इसमें दो तीन केबल के बारे में ध्यान दीजिएगा। एक केबल के बारे में आपको मैं बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड वीजीए केबल, और एक केबल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है डीवीआई केबल। इसी के साथ साथ में आपको मैं एस वीडियो के बारे में भी बता दूंगा साथ में। तो ये तीन केबल के बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए वीजीए केबल क्या है, वीजीए केबल है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला जो सेगमेंट होता है ये ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं वीजीए। ये भी है वीजीए, ठीक, इधर का ये वाला जो छोर दिख रहा है वीजीए, ये होता है वीजीए केबल, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये क्यों यूज होता है, जब कभी भी हम लोगों को कंप्यूटर के मॉनिटर को, ठीक है, कंप्यूटर के मॉनिटर को अगर हम लोगों को किसी प्रोजेक्टर वगैरह में हम लोगों को डिस्प्ले कराना रहता है या टीवी में डिस्प्ले कराना रहता है जिसमें हम लोग सिर्फ वीडियो यहाँ से ट्रांसमिट करें, तो वो कहलाता है आपका वीजीए केबल,
ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे वीडियो के ग्राफिक्स को इधर से उधर करता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल 15 पिन होते हैं, ठीक है। हर पिन का अपना अपना एक फीचर है कि इस पर्टिकुलर पिन का क्या फंक्शन है, लेकिन उसको आप डिटेल में जब अगर आपको मन होगा पढ़ने का तो आप खुद से VGA केबल गूगल में सर्च करिएगा, विकिपीडिया में आपको एक एक पिन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं कि VGA केबल क्यों यूज होता है, मतलब क्या उसका फंक्शन है। लेकिन अभी आप ये जान के रखिए VGA केबल को जब कभी भी कंप्यूटर को हम लोगों को प्रोजेक्टर वगैरह से कनेक्ट करना रहता है, जहाँ पे वीडियो अपन को ट्रांसमिट करना है, तो अपन वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA केबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन VGA केबल पुराने हो गए, मतलब इसमें उतना मजा नहीं है, इसमें कुछ उतने फीचर्स नहीं है, इमेज जो आते हैं वो उतने क्लियरिटी नहीं होते हैं। तो हम लोग आगे भी बढ़े और आगे हम लोग गए DVI में, ठीक है। DVI का मतलब होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। हाँ, तो सही बोले, डिजिटल विजुअल इंटरफेस DVI केबल। ये केबल डिजिटल विजुअल इंटरफेस जो केबल होता है, ये VGA से थोड़ा हटके होता है, एडवांस वर्जन होता है। इसमें 29 पिन होते हैं, मतलब उसके आप 15 पिन के कंपैरिजन में देखो तो इसमें 29 पिन होते हैं। तो ज्यादा पिन होंगे तो ज्यादा फीचर्स होंगे, ज्यादा फंक्शन होंगे, तो 29 पिन है। DVI बेसिकली जो सिग्नल होता है वो बिल्कुल कंपेटिबल होता है हम लोग दूसरे इसके हायर वर्जन में, जैसे ही हम लोग ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे HDMI भी लिखा हुआ है। HDMI हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि आजकल यही चल रहा है, DVI VGA सब बंद हो गया है, HDMI केबल ही चल रहा है। तो लेकिन कई कई लोग पुराने कंप्यूटर यूज करते हैं इसलिए। हाँ, HDMI के आने के बाद से DVI VGA सब बंद हो चुका है, लेकिन जो कि हर कोई नया कंप्यूटर्स में तो आ नहीं गए हैं, बहुत लोगों के पास पुराने कंप्यूटर होंगे, तो पुराने कंप्यूटर में HDMI का पोर्ट नहीं हुआ करता था। तो इसीलिए अभी भी कोई प्रोजेक्टर अगर आप लेते हैं या कुछ होता है, मतलब तो वहां पे आपको दोनों केबल साथ में देता है, DVI VGA भी देगा, DVI भी देगा, और या फिर आपको HDMI भी देगा। और अगर आपके पास मान लीजिए, जैसे मेरे लैपटॉप में, मैं पिछले साल परचेस किया था, तो मेरे लैपटॉप में DVI का कनेक्शन ही नहीं है, VGA का कनेक्शन ही नहीं है, तो मैं उसमें कनेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ प्रोजेक्टर में। तो क्या करता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्टर पुराना है, तो मतलब 3-4 साल पुराना है मान लीजिए, तो उससे क्या किया जाए, एक कनेक्टर आता है। कनेक्टर क्या करता है, आप VGA या DVI को HDMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये देखिए, यहाँ पे एक कनेक्टर दिया हुआ है, कनेक्टर से अपन क्या कर सकते हैं, इधर से VGI कनेक्ट किया, इधर से कुछ और अपन निकाल सकते हैं। तो ये कनेक्टर्स मार्केट में है, इजिली अवेलेबल है, 300-400 रुपए का मैं लिया आ गया, और उससे मैं क्या करता हूँ कि कॉलेज में प्रोजेक्टर से मैं कनेक्ट करता हूँ कनेक्टर को, और वो उससे एक छोर में HDMI निकला हुआ है और उसको मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर देता हूँ, तो इससे चीजें हो जाती है। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक प्रकार से हम लोग VGA और DVI से हम लोग वीडियो को ट्रांसमिट कर सकते हैं आसानी से, दोनों में पिन के अंतर है, अच्छी बात है। एक और आपको यहाँ पे एक छोर दिख रहा होगा जिसका नाम है S-Video। S-Video भी एक पोर्ट, मतलब एक केबल होता है जो वीडियो के लिए ही काम आता है। इसका फुल फॉर्म है सेपरेट वीडियो, ठीक है, सेपरेट वीडियो। इसमें खास बात क्या होती है, इसमें ये SD वीडियो के लिए काम आता है। SD वीडियो, SD मतलब समझते हैं ना, HD वीडियो होता है हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन से थोड़ा सा कम जो होता है ना, अब हाई डेफिनेशन आ गए हैं, HD आ गए हैं, लेकिन HD से पहले SD आते थे। तो SD है स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होते हैं, SD वीडियो, उनको जब ट्रांसमिट करना रहता है तब हम लोग S वीडियो केबल यूज करते हैं, ठीक है। इस वीडियो केबल की खास बात यह होती है कि ये ना देखिए, इसमें 4 पिन दिखेंगे आपको, ये 4 आपको दिख रहे हैं, ये ना क्लासिफाई कर देते हैं, मतलब सेपरेट कर देते हैं। मान लीजिए एक वीडियो आप कभी सुने होंगे, कॉम्पोजिट वीडियो। कॉम्पोजिट वीडियो का मतलब ये होता है कि कभी भी आप कभी वीडियो सिग्नल भेजते हैं, कभी भी वीडियो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि वीडियो में वीडियो तो रहे ही, साथ में उसका ऑडियो भी साथ में रहे, है ना,
यही तो आप चाहते हैं बेसिकली कि भाई आवाज भी साथ साथ चले और वीडियो भी साथ साथ चले, तो इसको बोलते हैं। और उसमें ये वीडियो में दोनों हो, आपका ब्लैक एंड व्हाइट की जहां जरूरत है वहां ब्लैक एंड व्हाइट हो, अगर वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो है, और अगर वीडियो कलरफुल वीडियो है तो आरजीबी कलर वाला वीडियो चले। आप तो यही चाहते हैं कि कॉम्पोजिट वीडियो का मतलब होता है कंप्लीट वीडियो, मतलब उसमें सब प्रकार का चीज हो, ऑडियो भी हो, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो, आरजीबी भी हो, सब कुछ हो, उस वीडियो को कॉम्पोजिट वीडियो बोलते हैं। लेकिन ये एस वीडियो क्या करता है, एस वीडियो केबल क्या करता है कि जब कभी भी कोई वीडियो इससे ट्रांसमिट होने की कोशिश करता है तो ये सेपरेट कर देता है, मतलब ये अलग अलग चैनल बना देता है कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला इधर से जाएगा, कलर वाला इधर से जाएगा। इससे फायदा क्या होता है कि दोनों मिक्स मैच नहीं होते हैं और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन में वीडियो को भेज पाता है। लेकिन आजकल हाई डेफिनेशन आ चुके हैं तो अब इसका भी बोलबाला खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हाई डेफिनेशन के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ HDMI यूज करते हैं। तो ये तीनों केबल के बारे में मैं आप लोगों को पुराने पुराने केबल के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी आज के आप युग में अगर देखेंगे तो अभी आगे के 10 से 20 साल में तक भी आप ये केबल को देखते रहेंगे, लेकिन उसके बाद से और हो सकता है कुछ नया आ जाए तो HDMI पुराना हो जाए, तो ये सारा चीज है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, और अब हम लोगों को जरूरत पड़ने लगी कि हम लोग केबल था जो सिर्फ ऑडियो को ट्रांसमिट करता था, ऑडियो के लिए अच्छी अच्छी क्वालिटी में ट्रांसमिट करता था, यहाँ वीडियो को भी ट्रांसमिट करने के लिए आया, तो हम लोग क्यों ना ऑडियो और वीडियो को एक साथ ट्रांसमिट किया जाए। तो ऑडियो और वीडियो को एक साथ ट्रांसमिट करने के लिए आपको मैं दो केबल के बारे में बताऊंगा, एक है RCA केबल और दूसरा है HDMI केबल। ठीक है, तो RCA क्या चीज है? RCA का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका। तो ये कंपनी थी, इस कंपनी ने इस केबल का आविष्कार किया तो या बनाया बोल सकते हैं, तो इस केबल का नाम उन्हीं के नाम से रखा गया, रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका RCA। ये क्यों यूज होता है? ये ऑडियो और वीडियो सिग्नल को टीवीज में ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। आप लोग, मेरे को नहीं मालूम आप लोग बचपन में वीडियो गेम खेले हो कि नहीं, लेकिन और आपके वीडियो गेम में ऐसा आता था कि नहीं, लेकिन मेरे जमाने में, मैं कम से कम आपसे 10-11 साल तो बड़ा होऊंगा ही, तो हमारे मेरे जमाने में वीडियो गेम आया करते थे, मारियो वगैरह हम लोग खेला करते थे, और उस जमाने में एक अलग से वीडियो गेम का एक सेट आता था, उसको हम लोगों को टीवी के साथ कनेक्ट करना पड़ता था। तो टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए ये प्रकार का केबल आता था, मेरे को बचपन से कभी समझ में नहीं आया ये क्या कलर का केबल है, लेकिन टीवी के पीछे में सॉकेट दिया रहता था, उसमें कलर दिया रहता था, ये रेड कलर है, व्हाइट कलर है, पीला कलर, तो बस मैं कलर कोडिंग के हिसाब से इसको जमा लेता था, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था कि ये क्या चीज होता है। लेकिन आज मैं एक टीचर बन चुका हूँ और मुझे ये सब चीज पता है। तो RCA कनेक्टर क्या होता है? ऑडियो और वीडियो सिग्नल को, क्योंकि गेम्स या कहीं पे भी जब अपन को ऑडियो और वीडियो साथ में भेजना है। अभी होते हैं सर, हाँ अभी भी होता है, लीड होते हैं। अभी भी होता है? अच्छा तो है। यस सर, हम लोग भी खेलते हैं। यस सर। अच्छा, मतलब आप लोग ज्यादा सर नॉर्मली अगर हाँ, नॉर्मली अगर वो अपन सेटअप बॉक्स यूज करते हैं टीवी से तो उसमें भी ऐसे ही रहता है, अच्छा चलो, मतलब सेम कलर के लीड्स रहते। मेरे को ये जान के बहुत खुशी हुई कि मेरे और आप लोगों के में जनरेशन गैप नहीं है। हम लोग सब एक ही चीज को यूज कर रखे हैं। गुड, तो RCA केबल जो होता है ऑडियो और वीडियो सिग्नल को टीवीज में ट्रांसमिट करने में मदद आता है। ये 2 से 3 केबल का बंडल होता है जिसमें देखो यहाँ इसका एक वो है येलो कलर का जो केबल है वो कॉम्पोजिट वीडियो को ट्रांसमिट करने में मदद आएगा। अब आप समझ पा रहे हैं ना कॉम्पोजिट वीडियो क्या होता है? ठीक, कॉम्पोजिट वीडियो को ट्रांसमिट करने में मदद आएगा जिसमें आपका ब्लैक एंड व्हाइट और आपका जो कलर है वो दोनों ही एक साथ ट्रांसमिट होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे ऑडियो के लिए, तो ऑडियो के लिए ये रेड और व्हाइट केबल यूज होते हैं, तो ये ऑडियो के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो ऑडियो में स्टीरियो साउंड मोनो साउंड के लिए ये दोनों यूज होते हैं। ओके, तो ये वाला जो कनेक्टर है ये भी चलता अभी भी जैसा आप लोग बता रहे हो चल रहा है मार्केट में, लेकिन जो सबसे ज्यादा चलता है वो है HDMI केबल। इसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस।
ये ऐसा केबल है जिसमें ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन एक ही केबल से हो सकता है। जैसे इसमें ऑडियो और वीडियो के लिए तीन तीन केबल यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, इसमें ऑडियो वीडियो एक ही केबल में यूज हो सकता है। इसमें सबसे मैक्सिमम रिजोल्यूशन वाले वीडियो भी भेजे जा सकते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब आप समझते हैं ना? रिजोल्यूशन, हाँ रिजोल्यूशन का मतलब समझते होंगे। हाँ बिल्कुल, जो नहीं समझते होंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो पिक्सल्स होते हैं छोटे छोटे पिक्सल, वो एक पिक्सल दूसरे पिक्सल से कैसे सेपरेट आउट होते हैं, वही सबसे रेजोल्यूशन है। मतलब कितने छोटे छोटे पिक्सल भी हम लोगों को दिख सकते हैं वो रेजोल्यूशन है। तो आप देखते होंगे कि ये आपका जो कैमरा होता है वो हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा होता है, ताकि एक एक छोटे से छोटे कड़, मतलब अगर आप कोई फोटो खींच रहे हैं तो छोटा कंकड़ भी है वहां पे तो दिख जाए, मतलब छोटा एक पिक्सल है वो भी अपने आप को क्लासिफाई कर ले कि मैं हूं और दिख सकता हूं, तो दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो HDMI केबल में मैक्सिमम रेजोल्यूशन के चीज ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। और इसको किसी भी HDTV में ट्रांसमिट करना है, क्योंकि हाई डेफिनेशन ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लू रे प्लेयर्स में करना है, सब चीज में यही यूज होते हैं HDMI केबल्स। अब हम लोग आगे आते हैं और इसके बाद आपको लास्ट वाला सेगमेंट ये है, ये हम लोग हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा, नेटवर्किंग केबल। नेटवर्किंग केबल में कोई मेरे को बता सकता है क्या कि ये केबल कौन से हैं और कौन सा है ये वाला जो पीला कलर का केबल है, ये कौन सा है? नहीं बता सकता कोई? मैं कितना सारा बताया था यार यूनिट 4 में आप लोगों को, मैं बताया हूँ कि केबल नेटवर्क से रिलेटेड दो टाइप का केबल आपको बताया हूँ, एक है RJ11 केबल और एक है RJ। हाँ क्या बोल रहे हो, कोई कुछ बोला क्या? ठीक है कोई बात नहीं। देखो RJ11 केबल आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि आपके कभी कभी आजकल के घर में भी रहता है और आप लोग कभी देखोगे RJ11 केबल और RJ45 केबल। RJ11 केबल को टेलीफोन केबल कहा जाता है, टेलीफोन केबल। यस सर, हाँ ये आज भी वर्ल्ड में यूज होता है, इंटरनेट को मॉडेम के थ्रू कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो टेलीफोन केबल आपको मैंने वो बताया होगा कि घर से बाहर इसे टेलीफोन लाइन्स से ही अपन जब वो इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो टेलीफोन केबल्स के माध्यम से हम लोग हमारे घर तक आ जाता है, फिर हम लोग उसको मॉडेम के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो वायर है ये RJ11 केबल हो सकता है, ठीक है RJ11 केबल। उसके बाद ये है RJ45 केबल, जिसको आम भाषा में LAN केबल भी कहा जाता है, आम भाषा में इथरनेट केबल भी कहा जाता है, ठीक है। ये केबल कौन से हैं? ये केबल RJ45 केबल है जो बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं। आप लोगों को याद है ना ट्विस्टेड पेयर केबल में पढ़ाया हूंगा, तो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं। मैं इसको वो भी बताया था, याद है एक वीडियो दिखाया था जिसमें इसको पूरा काटते पीटते और उसको वीडियो केबल बनाते हुए भी दिखाया था। तो ये RJ45 केबल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये RJ45 केबल है जो इंटरनेट को वायर्ड इंटरनेट को यहाँ पे लाने में मदद करता है। तो ये दोनों केबल नेटवर्क से रिलेटेड केबल है, नेटवर्क इंटरनेट को लाने में मदद करते हैं। ये वाला जो केबल है तो पावर केबल है, पावर से लगा हुआ है। तो ये ओवरऑल आपका नेटवर्किंग रिलेटेड केबल हो गया। अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे केबल को देख पा रहे होगे, पढ़ पा रहे होगे। अब मैं आपका टेस्ट लेने की कोशिश करता हूं, आप मेरे को बताते जाना कि ये कौन से केबल हैं और जिसको हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, और जिसको नहीं पढ़ रखे हैं उसको मैं खुद बताऊंगा। तो चलिए कोई जो भी पहले बताना चाहे बता सकता है, मैं आपको फोटो दिखाता हूं। ये केबल ऊपर में हालांकि इसमें नाम दिया हुआ है, आप मेरे को वर्किंग कोई बताना। फर्स्ट नंबर पे क्या है कोई बता सकता है क्या, कोई भी? फर्स्ट और सेकंड नंबर पे सर PS2 पोर्ट, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के काम आता है। ओके PS2 माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट। थर्ड नंबर का और सिक्स नंबर का कोई बताना चाहेगा सीजन के अलावा? USB यूनिवर्सल सीरियल बस है। क्यों यूज होता है ये?
ओके। चौथा नंबर का केबल के बारे में आप लोग पढ़े हो क्या? ये जो पोर्ट दिख रहा है, नो सर, SPDIF, इसके बारे में भी थोड़ा सा सोच लेते हैं। ये SPDIF कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हो, ये है सोनी फिलिप्स, ठीक है, डिजिटल इंटरफेस। सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस है, ये कुछ नहीं है। जो आप लोग टॉस लिंक पढ़े हो, ये टॉस लिंक जैसा ही है, मतलब अगर किसी को ऑडियो सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू कनेक्ट करना है जिसमें हाई क्वालिटी हो, उसको हम लोग टॉस लिंक कहते हैं। उसी का दूसरा नाम ये सोनी फिलिप्स वाले अपना बनाए, सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस, तो उसको SPDIF है। तो अगर किसी कंप्यूटर में अगर आप ऐसा देखते हो तो आपको समझ जाना है कि ये डिजिटल ऑडियो के लिए यूज हो रहा है। पांचवा नंबर का भी आप शायद नहीं पढ़े होंगे, पांचवा नंबर आप देख पा रहे हैं क्या? ये वाला जो केबल है, इसके बारे में कोई बता सकता है? RS-232 है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। ये एक स्टैंडर्ड केबल है। ये क्यों यूज होता है? ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, मतलब कभी भी इस कंप्यूटर को अगर किसी से सीरियल कम्युनिकेशन करना है तब RS-232 का यूज होता है। अभी सीरियल कम्युनिकेशन किससे करना है, कब कब करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक मान लीजिए पीसी है, पीसी को मान लीजिए किसी के साथ कनेक्ट करना है, लेट सपोज कि उसको मॉडेम के साथ कनेक्ट करना है, लेट सपोज उसको प्रिंटर के साथ कनेक्ट करना है, लेट सपोज उसको माउस के साथ कनेक्ट करना है, या UPS के साथ कनेक्ट करना है, किसी के साथ भी कनेक्ट करना है जिससे वो सीरियल डेटा भेजना चाहता है, तो वो कौन सा केबल यूज होगा? RS-232 ये यूज होगा। इज इट क्लियर? RS-232 वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक, आगे आते हैं हम लोग। RS-232 हो गया, USB 3.0 हो गया, RJ-45 नेटवर्क, कोई बता सकता है क्या? ये जो दिख रहा होगा RJ-45, ये क्यों यूज आता है? लैन कनेक्शन। बिल्कुल सही, लैन। ओके, इसके बाद आप देख पा रहे हैं क्या? सॉरी, RJ-45 ये था। ESATA 8वें नंबर का केबल, ये छोटा सा डेटा स्टोरेज के लिए, मतलब मेमोरी के लिए। डेटा स्टोरेज के लिए काम नहीं आता, डेटा स्टोरेज डिवाइस होते हैं, या हाई स्पीड में जब डेटा ट्रांसमिट करना है एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए तब अपन ये केबल यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद 9वां नंबर का ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन के लिए, मतलब ऑडियो वीडियो के लिए यूज होता है, ठीक है। 10वें नंबर का, ठीक है सर, प्रोजेक्टर से कनेक्ट करो वीडियो के लिए। ओके, फिर 11वें नंबर का भी आप देख पा रहे हैं क्या? फायर वायर, यस। हाँ, 12वें नंबर का एस वीडियो आप देख पा रहे हैं क्या? एस वीडियो के बारे में आपको बताया था मैं, स्टैंडर्ड वीडियो SD वीडियो को ट्रांसमिट करने में मदद आता है। DVI के बारे में आपको मैंने बताया, DVI और VGA दोनों भाई है, हाँ, वीडियो ट्रांसमिट करने के लिए। 14th नंबर का ऑडियो केबल के बारे में भी आपको, हाँ, और 15th नंबर का LPT है। 15 नंबर के बारे में भी आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं 15 नंबर का भी बता देता हूँ। LPT क्या होता है, ये भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा। इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है लाइन प्रिंटर टर्मिनल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लाइन प्रिंटर टर्मिनल है। कायदे से इसका नाम होना चाहिए पैरेलल पोर्ट। ये एक पैरेलल पोर्ट है जिसमें कभी इस कंप्यूटर को पैरेलल कभी किसी से कम्युनिकेशन करना है तब कौन से पोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, तो पैरेलल पोर्ट। तो आपको मैंने ये भी बताया कि अगर कोई कंप्यूटर को सीरियल ट्रांसमिट करना है तो कौन सा पोर्ट यूज करूंगा, अगर इस कंप्यूटर को सीरियल ट्रांसमिट करना है डेटा को तो कौन सा पोर्ट का इस्तेमाल करेगा इस 14-15 में से? अरे स्क्रीन पे तो दिख रहा है भाई, अरे यूएस यहाँ दिख रहा है आपको, फिर भी आप बोल रहे हो, अभी तो मैं बताया जस्ट, हाँ, मतलब अगर इस कंप्यूटर को सीरियल डेटा कम्युनिकेट करना है तो इस पोर्ट का इस्तेमाल करेगा,
अगर इस कंप्यूटर को पैरेलल कम्युनिकेट करना है तो इस पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। इसको आम भाषा में पैरेलल पोर्ट कहा जाता है या नॉर्मल भाषा में लाइन प्रिंटर टर्मिनल भी कहा जाता है। जनरली ये प्रिंटर के लिए पहले बनाया गया था और प्रिंटर में पैरेलल ट्रांसमिट करना होता था डेटा, इसलिए इसका नाम लाइन प्रिंटर टर्मिनल हो गया, लेकिन पैरेलल पोर्ट भी हो सकता है। लेकिन ये यूएसबी के आने के बाद से, यूनिवर्सल सीरियल बस के आने के बाद से एलपीटी का कॉन्सेप्ट हट चुका है, ठीक है। RS-232 भी हट चुका है। आजकल के कंप्यूटर में आप देखेंगे तो यूएसबी केबल ही दिखते हैं। तो इस कंप्यूटर में दोनों साथ में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि पुराने डिवाइसेस के साथ भी कंपेटिबल बनाने के लिए साथ में इसको दे दिया है। लेकिन मॉडर्न लैपटॉप वगैरह में ये सब चीज नहीं होते हैं, सिर्फ ये यूज होता है। ऑडियो सिग्नल के लिए भी दो का इस्तेमाल नहीं होता है आजकल के, जो मैं अपने लैपटॉप को देख पा रहा हूँ जो उसमें ऑडियो के लिए दो का नहीं हो रहा है, सिर्फ एक का यूज होता है 3.5 mm हेडफोन जैक। DVI बिल्कुल यूज नहीं होता है आजकल। S वीडियो नहीं है मेरे पास। फायर वायर है, वैसे फायर वायर का कनेक्शन तो दिया हुआ है, ठीक है। VGA नहीं होता, HDMI ही यूज होता है, तो HDMI है। eSATA का भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि eSATA के बदले आजकल USB ही यूज हो रहा है। RJ45 हमारे मेरे उसमें है, RJ45 यूज होता है, USB 3.0 यूज होता है। SPDIF नहीं होता, क्योंकि USB से हो जाते हैं सब, और PS2 माउस और कीबोर्ड भी यूज नहीं होता, USB से हो जाते हैं। तो आज के युग में कंप्यूटर पेरिफेरल में आप दो तीन चीज बस याद रखना, USB, HDMI वगैरह, तो आपका सारा काम हो जाएगा। RJ45 को याद रखो, सब हो जाएगा। लेकिन पहले के कंप्यूटर के बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपको कभी कभी वर्क करने में मदद हो सकता है इस सारे कंप्यूटर में, तो आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये ओवरऑल आपका पूरा केबल्स वाला सेगमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से शायद समझ में आया होगा। क्लियर है सबको? किसी को बोर तो नहीं लगा ना? नो सर। ठीक, चलो।